नमस्कार दोस्तों, हक एंड क्रे सॉफ्टटेक की कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेस्टेड लूप्स और उसके एक्सप्लेनेशन, यानी कि जितने भी हमारे लूप हैं जैसे कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, अगर हम उसका नेस्टेड फॉर्म में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि हमने यूज़ किया था नेस्टेड इफ एल्स या फिर नेस्टेड स्विच, उसी तरह से नेस्टेड लूप्स भी होते हैं, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स या नेस्टेड स्विच था, मैं आपको याद दिला देता हूँ, नेस्टेड स्विच में क्या था, एक स्विच के अंदर दूसरा स्विच यूज़ हो रहा था, और उसी तरह से नेस्टेड इफ एल्स में क्या था, एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स यूज़ हो रहा था। बिल्कुल उसी तरह से नेस्टेड लूप क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ होता है। किस तरह से, जैसे एक हमने डू व्हाइल लिखा, डू व्हाइल के अंदर जहाँ पे कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है वहाँ पर एक और डू व्हाइल दे दिया, इसी तरीके से व्हाइल का यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल के अंदर व्हाइल लूप, और इसी तरह से फॉर का, यानी कि एक लूप के इनसाइड हम कोई दूसरा लूप यूज़ करें, वो आता है हमारा नेस्टेड लूप। तो ये भी तीन तरह के हो सकते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो सीखते हैं सबसे पहले नेस्टेड व्हाइल लूप। सो गाइस, जहाँ पर भी नेस्टेड वर्ड लग जाए वहाँ पर एक के अंदर एक टास्क परफॉर्म होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं नेस्टेड व्हाइल लूप, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हाइल लूप के अंदर दोबारा व्हाइल लूप यूज हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए व्हाइल कंडीशन, यानी कि पहला व्हाइल लूप चला और उसकी कंडीशन ट्रू होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो व्हाइल लूप है इनर, यानी कि जो व्हाइल लूप के अंदर जहाँ पर कोड ब्लॉक होता है वहाँ पर एक और व्हाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। ट्रू होने की कंडीशन में स्टेटमेंट चलेगा, अब फॉल्स होने की कंडीशन में ये व्हाइल लूप यानी कि आउटर व्हाइल लूप पर रिटर्न हो जाएगा, और आउटर व्हाइल लूप पर जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं या फिर नहीं दिए हुए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेस्टेड व्हाइल लूप, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको इसका फ्लो चार्ट और दिखा देता हूँ, फ्लो चार्ट समझा देता हूँ। तो फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले कंडीशन नंबर वन, यानी कि ये है व्हाइल कंडीशन, कंडीशन नंबर वन, अगर ये ट्रू होती है तो उस केस में क्या होगा, हमारी कंडीशन नंबर टू चेक होगी। अगर कंडीशन नंबर टू भी ट्रू है हमारी, तो क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट जो भी होगा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फॉल्स होने की कंडीशन में ये इस लूप को टर्मिनेट कर देगा और दोबारा से कंडीशन नंबर वन पर पहुंच जाएगा। और अगर ट्रू है तो दोबारा से यही काम होगा रिपीटेडली, और फॉल्स होने की कंडीशन में ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था फ्लो चार्ट हमारा व्हाइल लूप का। और अगर हम बात करते हैं डू व्हाइल लूप की, तो नेस्टेड डू व्हाइल लूप में क्या होता है, एक डू व्हाइल के अंदर दूसरा डू व्हाइल लूप वर्क करता है। किस तरह से, देखते हैं इसका सिंटैक्स। देखिए, डू स्टेटमेंट्स और उसके बाद फिर से डू, फिर स्टेटमेंट्स और उसके बाद व्हाइल कंडीशन और उसके बाद व्हाइल कंडीशन। किस तरह से, सबसे पहले जो हमारा डू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू के बाद ब्रेसेस स्टार्ट हुए, तो इस पहले वाले डू का ये है स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स, और इसी डू के अंदर एक और डू व्हाइल है, डू स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडीशन, और उसके बाद ये ब्रेसेस बंद हुआ, यानी कि डू के अंदर का ये पर्टिकुलर टास्क है सारा, यानी कि कोड ब्लॉक है डू के अंदर का सारा, और उसके बाद व्हाइल कंडीशन ये दी है आउटर लूप की है। तो ये था हमारा डू व्हाइल लूप। फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग आई विल शो यू द फ्लो चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप। तो देख सकते हैं, कंडीशन नंबर वन अगर ट्रू हो रही है तो स्टेटमेंट्स फॉलो करेगा, दोबारा कंडीशन नंबर वन को चेक करेगा, और अगर कंडीशन नंबर फॉल्स हो रही है तो क्या करेगा, हमारा ये एंड कर देगा इस वाले व्हाइल लूप को, और इसके साथ ही साथ फिर कंडीशन नंबर टू को भी चेक करेगा, अगर वो ट्रू हो रही है तो उसके बाद स्टेटमेंट्स को चलाएगा, और इसी तरह से ये लूप को चलाता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा नेस्टेड डू व्हाइल लूप। और अब बात करते हैं नेस्टेड फॉर लूप की, जो कि वाइडली यूज़ होता है, जैसे हमको मैट्रिक्स के प्रोग्राम बनाने हैं या फिर कुछ इस तरह के प्रोग्राम बनाने हैं जिसमें रो और कॉलम, यानी कि टू टाइम्स हम किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं स्टोरिंग के लिए, सेविंग के लिए, तो हम हर जगह पर वहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीखते हैं सिंटैक्स फॉर लूप का, काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या है, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज़ हो रहा है, कैसे, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन और उसी के साथ साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ब्रेसेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था उसके जगह पर हमने यहाँ पर एक और फॉर लूप दे दिया, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को रन कराया, स्टेटमेंट को लिखा है, दैट मीन हम इसको अगर आसान शब्दों में समझें, अगर हमारे पहले वाले फॉर लूप की कंडीशन ट्रू है तो दूसरे वाले फॉर लूप पर आ रहा है, और अगर दूसरे वाले फॉर लूप की भी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है,
और अगर कंडीशन ये फॉल्स होती है हमारी दूसरे फॉर लूप की, तो वो हमारे इनर सॉरी जो हमारा आउटर फॉर लूप है उस आउटर फॉर लूप पर काम करेगा, आउटर फॉर लूप के स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। किस तरह से ये काम कर रहा है इसके फ्लो चार्ट के थ्रू और हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद पहले वाले फॉर लूप की कंडीशन चेक हुई। पहले वाले फॉर लूप की कंडीशन चेक होने के बाद क्या काम करता है, वो दूसरे वाले फॉर लूप पर आता है और उसको तब तक रन करता है जब तक कि उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। कंडीशन फॉल्स होने की दशा में हम क्या करते हैं, उस लूप को टर्मिनेट कर देते हैं और उसके बाद वो दोबारा से अपने आउटर फॉर लूप पर चला जाता है। आउटर फॉर लूप में कंडीशन चेंज होती हैं और उस कंडीशन चेंज के अकॉर्डिंग वो इनर फॉर लूप की कंडीशन को भी चेंज करता है और इनर फॉर लूप को दोबारा से तब तक चलाता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और इसी तरीके से काम चलता रहता है लूप रिपीटेडली कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये काम करता रहता है। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट फॉर लूप का, नेस्टेड फॉर लूप का। और दोस्तों अब इस इतने सारे सभी के प्रोग्राम्स में यहाँ पर आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइज आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस अप्रोच के साथ साथ हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच भी देख सकते हैं, उसमें मैं इस तरीके के आपको सारे प्रोग्राम्स बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और आप इस वीडियो के अपडेट्स चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, हक इन क्रेज सॉफ्ट टेक की ओर से। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।